आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा खबर है, एक वैकेंसी निकल कर आया है। उस पद का नाम है जेट संपरीक्षक, यानी कि सहायक संपरीक्षक। अगर हम इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होगी, किस आधार पर होगी, भर्ती कब लिया जाएगा, कब होगा, ये कितना पद है, क्या है, ये सब देखेंगे। सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। जेट संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षक एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायकर, अंबिकापुर एवं अन्य कार्यालय में जेट संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक की तृतीय श्रेणी यानी कि रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। चलिए बात करते हैं जेट संपरीक्षक सहायक संपरीक्षक भर्ती परीक्षा की। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 5 नवंबर 2021 को, यानी कि शुक्रवार को दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2021 यानी कि सोमवार को दिया गया है। त्रुटि में सुधार के लिए 23 से 25 नवंबर 2021 तक दिया गया है। व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि यानी कि 2 दिसंबर 2021 यानी कि गुरुवार को दिया गया है। परीक्षा की तिथि यानी कि संभावित परीक्षा की तिथि है 12 दिसंबर 2021 यानी कि रविवार को। परीक्षा का समय दिया गया है 10 बजे से 1:15 तक, ठीक है। परीक्षा का केंद्र प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालयों में दिया गया है, प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालयों में दिया गया है, ठीक है, परीक्षा का केंद्र दोस्तों। चलिए बात करते हैं सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या वेतनमान पर। पद का नाम दिया गया जेट संपरीक्षक, वेतन दिया गया है मैट्रिक्स 35,400 रुपये और लेवल है 8 तृतीय श्रेणी का। कुल पद है 11 और विहित शैक्षणिक योग्यता दिया गया है कला विज्ञान या वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी का, स्नातक या उपरोक्त विषय में द्वितीय श्रेणी, अधिस्नातक या विधि स्नातक दिया गया है। सहायक संपरीक्षक के लिए देखते हैं तो वेतन दिया गया है 25,300 रुपये और लेवल है 6वां, ये तृतीय श्रेणी का है। पोस्ट है, मतलब है 54, कुल रिक्त पदों की संख्या 54 दिया गया है। इसमें योग्यता देखते हैं तो कला विज्ञान या वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी का स्नातक दिया गया है। चलिए इसके चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। जेट संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा उपरांत प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची जारी किया जाएगा दोस्तों। दूसरा है रिक्तियों के अनुपात में परीक्षा में अधिकतम अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थियों को चयन हेतु चिन्हांकित किया जाएगा। कुछ सिलेबस की बात कर लेते हैं तो जेट संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक हेतु सामान्य ज्ञान दिया गया है, बुद्धि क्षमता है, विश्लेषण क्षमता दिया गया है, अंक गणित है, हिंदी विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसकी आयु सीमा क्या है, शैक्षणिक अर्हताएँ क्या है, देख लेते हैं। तो पद का नाम है जेट संपरीक्षक, न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, परीक्षा की अवधि 3 वर्ष के लिए दिया गया है दोस्तों। विहित शैक्षणिक अर्थ देखते हैं, कला विज्ञान या वाणिज्य क्षेत्र में द्वितीय श्रेणी, स्नातक या उपरोक्त विषय में द्वितीय श्रेणी, अधिस्नातक या विधि स्नातक दिया गया है। सहायक संपरीक्षा की बात करते हैं तो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और परीक्षा भी अवधि है 3 वर्ष के लिए। कला विज्ञान या वाणिज्य स्नातक दिया गया है, इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता दोस्तों। परीक्षा में कितना नंबर का पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, सब देखते हैं। तो लिखित परीक्षा में 200 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 200 अंक के होंगे। विवरण अनुसार कहता है कि जैसे सामान्य अध्ययन एवं गणित का 100 अंक का होगा, हिंदी 100 अंक का होगा। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी दोस्तों। इसमें सामान्य ज्ञान दिया गया, बुद्धि क्षमता दी गई, विश्लेषण गणित एवं हिंदी विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 1 अंक दिए जाएंगे और 1/4 अंक काटे जाएंगे दोस्तों। दोस्तों यह मेरिट के आधार पर चयन होगा। दोस्तों अगर आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो तो गणित और इंजीनियरिंग से संबंधित सवाल इस YouTube चैनल पर मिल जाएगा या इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में मिल जाएगा दोस्तों। गणित और इंजीनियरिंग से संबंधित सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही वीडियो इस डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में मिल जाएगा। या अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो YouTube चैनल का नाम है मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश सर, उसमें आप गणित की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। गणित और इंजीनियरिंग से संबंधित सवाल बताया गया है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और शॉर्ट ट्रिक में बताया गया है दोस्तों। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए दोस्तों। गणित और इंजीनियरिंग से संबंधित सवाल के नए बैच स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, व्यापम संबंधित सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।